एना चैन के जेलस हस्बैंड को जब ये पता चलता है कि एना का अपने एक्स लवर से अभी भी रिश्ता है तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। एना अनकॉन्शियस होती है और भागकर घर जाती है। वहाँ उसे उसका पति मरा हुआ मिलता है और उसी जगह एना और उसके एक्स लवर की फोटोज बिखरी हुई होती है। एना उन फोटोज को फाड़ कर चबा जाती है। एना को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लीट और चम। 2010 में आई थी। बेहद खूबसूरत मूवी है और ये तो ऐसे लोगों की कहानी है जो शायद पहली बार एक दूसरे से मिले, लेकिन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मूवी शुरू करते हैं। 7 साल बाद एना के पास एना को पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसे 3 दिन के लिए रिहा कर दिया जाता है ताकि वे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। सीटल जाने के लिए एना बस में बैठती है। उसे बाहर की दुनिया बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है। बस रुकती है और एक लड़का जिसका नाम हुन है वो बस पे चढ़ता है। दरअसल हुन एक जिगोलो है और वो अपने एक क्लाइंट के पति से डर कर भाग रहा है क्योंकि उसके पति को शक है कि उसकी वाइफ हुन के साथ भागी है। हुन के पास टिकट के पैसे नहीं होते तो वो एना से पैसे मांगता है। एना उसे पैसे दे देती है। यही से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। सीटल का सफर 72 घंटे का है और ये दोनों साथ में सफर कर रहे हैं। हुन एना से बात करने की कोशिश करता है। एना कहती है कि वो उसे टिकट के पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। हुन एना को अपनी वॉच देता है और कहता है जब वो उसके पैसे वापस कर देगा तो वॉच वापस ले लेगा। बस रुकती है और सब चाय कॉफी के लिए उतरते हैं। हुन को कॉल आता है कि उस क्लाइंट का हस्बैंड उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। हुन कहता है लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। फिर हुन एना के पास जाता है और टाइम पूछता है। एना सीटल अपने भाइयों के घर पहुंच जाती है। वहां उन लोगों को समझ नहीं आता कि एना को कैसे ट्रीट करें। एना को दोबारा हुन मिलता है और वो एना से फिर टाइम पूछता है। एना पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है। हुन मुस्कुराता है। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ एना हुन की शर्ट के बटन सही से नहीं खोल पाती। हुन उन बटन्स को खोलता है और एना को अनड्रेस करने लगता है। एना को ये सब बहुत थोड़ा अजीब लगता है और एना हुन को धक्का दे देती है। हुन को एम्बैरसिंग फील होता है। एना हुन को सॉरी कहती है। फिर वो दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं। हुन एना से कहता है कि वो उसकी पहली अनसेटिस्फाइड क्लाइंट है। एना पूछती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ क्या करता है। हुन कहता है कि वो उन क्लाइंट्स को वो जैसा चाहते हैं वैसा ट्रीट करता है। एना कहती है कि वो उसके साथ रहने का कितना चार्ज करेगा। हुन कहता है कि वो इसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। दरअसल हुन भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा था और एना का साथ उसे बेहद अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो एना को सीटल घुमाता है। और एना हुन को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो अपने पति के मर्डर के केस में जेल में है और उसे 3 दिन की बेल मिली है। हुन को एक कॉल आता है। वो कॉल उस क्लाइंट का होता है जिसका पति हुन को ढूंढ रहा था। हुन एना से कहता है कि वो आधा घंटा उसका वेट करे, वो अभी आता है। एना हुन को हक करती है। हुन उस औरत से मिलता है। वो औरत उसे बोलती है कि चलो साथ में भाग चलते हैं और रेस्टोरेंट खोलेंगे। हुन मना कर देता है। वो औरत समझ जाती है कि हुन अपनी लाइफ में बेहद खुश है। वो हुन को पैसे देती है और हुन वहां से जाने लगता है। लेकिन हुन को उस औरत के लिए थोड़ा बुरा फील होता है, इसलिए वो उसे होटल के रूम में आराम करने को कहता है। हुन वापस अपने रूम में आता है लेकिन वहाँ एना नहीं होती। एना उसकी दूसरी वॉच वहीं बेड पर रखकर चली जाती है। हुन एना की मॉम के फ्यूनरल में आता है जहाँ एना के एक्स लवर के साथ उसकी लड़ाई होती है क्योंकि उसका एक्स लवर उसे एना से दूर रहने के लिए कहता था। वहाँ एना आती है और अपने एक्स लवर पर गुस्सा करती है। फिर वो हुन को सॉरी बोलता है। एना वापस बस में बैठी होती है ताकि वो चाइना जा सके जेल में क्योंकि उसकी बेल की टाइमिंग खत्म हो चुकी है। हुन भी उसके साथ बस में बैठ जाता है। फॉग ज्यादा होने की वजह से बस एक कॉफी शॉप पर रुकती है। हुन बस से उतरता है और तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हुन को उसी औरत के पति ने किडनैप किया हुआ है। वो आदमी हुन से पूछता है कि उसकी वाइफ क्यों तेरे प्यार में पागल हो गई, तू ऐसा क्या करता था। हुन कहता है वो सिर्फ बात करते थे। फिर वो आदमी हुन को कहता है कि उसकी वाइफ को मारने और पैसे चोरी करने के जुल में पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली है। और फिर वो अपनी वाइफ का खून से सना पर्स हुन को दिखाता है। हुन पूछता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया। फिर वो उस औरत को फोन मिलाता है लेकिन फोन पिक नहीं होता। दरअसल उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था। हुन वापस एना के पास जाता है और एना को किस करने लगता है और एना से कहता है कि 2 साल बाद वो उसे इसी जगह मिलेगा। एना हुन के लिए कॉफी लेकर आती है और हुन को ढूंढने लगती है। हुन उसे कहीं नहीं दिखता और हम देखते हैं कि एना 2 साल बाद जेल से रिहा हो गई है। वो अपनी जगह जाती है, वो उसी जगह जाती है जहां हुन ने मिलने का प्रॉमिस किया था। वो उसका वेट करती है लेकिन हुन नहीं आता और मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की मूवी यहीं खत्म हुई। प्लीज सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।